आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल एफ न्यूटन है। इतने ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन के बीच विद्युत बल होगा। ऑप्शन ए है एफ न्यूटन, ऑप्शन बी है एफ बटे दो न्यूटन, ऑप्शन सी है एफ बटे तीन न्यूटन, ऑप्शन डी है एफ बटे फोर न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं यह दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित, ठीक है, मान लेते हैं r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वह हमें दिया गया है एफ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यह है Q1 और यहाँ से यह है, ठीक है, दो बिंदु आवेश है तथा इनके बीच की दूरी है यह है r। ठीक है, तो इनके मध्य लगने वाला बल कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या होता है, यह होता है एफ इक्वल टू होता है एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये होता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन है तथा इनके बीच की दूरी है यह है r। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश यह है QE, तो QE इक्वल टू हो जाएगा माइनस है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ से इस पर जो आवेश इसको मान लेते हैं Q1, तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। उसी प्रकार यहाँ से इसको मान लेते हैं Q2, तो Q2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला बल F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 πε₀ × यहाँ Q1 और Q2 क्या होता है, ये होता है दोनों आवेशों के परिणामों का गुणनफल। ठीक है, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा Q2 का परिमाण, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ से इनके बीच की दूरी है r, हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से f इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 πε₀, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ पूरे का स्क्वायर बट्टे हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण एक। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि इतनी ही दूरी पर स्थित दो के बीच विद्युत बल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से दो प्रोटॉन है कुछ इस प्रकार तथा इनके बीच की दो दूरी है वो समान है, यानी कि r ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, दो प्रोटॉन, हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश मान लीजिए यह है QP, तो ये होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ से इस पर मान लेते हैं यह है Q1, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ और यहाँ से इस पर आवेश मान लेते हैं Q2, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला बल कूलम्ब के नियम के अनुसार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F इक्वल टू F4πε₀ इंटू, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ बटे यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एफ इक्वल टू से यहाँ से ये हो जाएगा 1/4πε₀ इंटू यहाँ से हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ पूरे का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो यह वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से ये किसके बराबर है, यह है दो न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाले बल एफ के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से कि इन प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला बल, इसको मान लेते हैं एफ डे से। ठीक है, एफ डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला बल का वैल्यू कितना होगा, ये होगा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले बल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ न्यूटन। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।